बोलिया रे चिड़िया एके भई रे चिड़े ने ब्याहली अरे वो आगी बने के घर लेके चारों तरफ लखाते होंगे भूख के सताए मुन्ने हा? मैया ने बुलाते होंगे भूख के सताए मुन्ने मैया ने बुलाते होंगे लिखे आते होंगे पिता रे घूमे के लाड करे मुख चुम चुम के आते होंगे पिता रे घूम के लाड करे मुख चुम चुम के हो अरे मन तरसा रही जाग भूपे के उसे की और उस चिड़ी ने आकर के पहली चिड़ी के दोनों बच्चों को किस तरह से मार दिया और किस तरह दूसरी कली को कवि महोदय ने लिखा सुनेंगे कैसे झूठी राड करके दोनों नीचे गेर दिए रिश्ते पेट फाड़ करके चिड़े की बसाई कोन्या रोया नीची नाड़ करके चिड़े की बसाई कोन्या रोया नीची नाड़ करके वही धर के सिला रे दर्द की धड़ में चिड़ा रे चिड़ी की जड़ में धर के सिला रे दर्द की धड़ में बैठा चिड़ा रे चिड़ी की जड़ में हो हो अरे बच्चे करे गे विलाप पहुंच के
दोनों बच्चों को मार दिया। रानी घबरा जाती है, मेरी तबीयत खराब है, कल को अगर कोई अनहोनी हुई और राजा ने दूसरी शादी कर ली तो मेरे रूप बसंत का भी यही हाल होगा। आंखों में आंसू आ जाते हैं, किस तरह से अपने रूप बसंत को पुचकारती है तीसरी कली में। कैसे जीते जागते सबूर देखे, आख्या में पानी भर के फिर रे दोनों अपने पूत देखे, आख्या में पानी भर के फिर दोनों अपने पूत देखे। वही देखे जीव सभी दुख पाते, औरत के जो फंदे फंस जाते, देखे जीव सभी दुख पाते, औरत के जो फंदे फंस जाते। जैसे ना जैसे आप तरज की मारे सपेरे पे, हारे है। तुरंत बांदी को आदेश दिया कि बांदी जाइए, महाराज को तुरंत बुला करके महलों में लाइए। किस तरह से महाराज महलों में आते हैं, किस तरह से रानी सुरक्षित हारती है, आइए अंतिम और लास्ट कली में कैसे लिखा। बुलवाए राव राजा ने आ रानी देखी, जीवन की थी डगमग नाव, वैद को बुलाया देखा तो सोते भी बट गया ताव, वैद को बुलाया देखा तो सोते भी बट गया ताव। वही भाव भर में मिटी जीव आसे की, सुख पंदी गुरु शरण दास की, भावे भर में और जीव आस की, सुख पंदी गुरु शरण दास की। धर्या के गुरु बिन में